वेलकम बैक रेडियो संगम 107.9 एफएम. और अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं अली जाह साहब को. उनकी ज़िंदगी के बारे में बात होगी, तो आप अगर चाहते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में बात करना और सुनना तो ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं. और मेरे साथ जी मेरा साथ देंगे जो कि हैकर भी हैं, जैकर भी हैं, और तनवीर हमारे साथ बैठे हैं. तनवीर भी ज़रूर बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम, और जितने भी सुनने वाले उन सभी को जनाब ढेरों ढेरों अस्सलाम वालेकुम. और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जहां कहीं भी इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. और यकीनन अली एजाज साहब का नाम इतना बड़ा नाम है हमारी पाकिस्तानी फिल्म ड्रामा और थिएटर इंडस्ट्री का कि इसका ये जो नुकसान हुआ है, हर इंसान जो भी आता है इस दुनिया में उसने जाना तो बहरहाल एक दिन है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान की फिल्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए. और आज उन्हीं को इस हवाले से हम यहाँ पे रेडियो संगम के प्लेटफॉर्म से हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं. तो बिल्कुल पाकिस्तानी फिल्म और टीवी के ये मारूफ अदाकार अली एजाज मंगल की सुबह लाहौर में इंतकाल कर गए थे, और उनकी उम्र थी 77 ईयर्स के वो थे. और इस 77 ईयर्स में देखा जाए तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो उन्होंने जो है वो टीवी को दिया, फिल्म को दिया. और इतनी लंबी एज में जब आप जाते हैं और इतना जो परफॉर्मेंसेस देते हैं तो वो यकीनन जो है ना वो लोगों के दिलों पर राज भी करती हैं, और वो याद रहती हैं लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए. बेशक, और यकीनन उनका इंतकाल जो है वो आरज़ा कल्ब की वजह से हुआ है. वो दिल के मर्ज में मुब्तला थे और उनका इंतकाल हुआ है. लेकिन उनका जो करियर था जैसे कि आपने कहा फिल्म थिएटर और स्पेशली टीवी में उनके ऐसे किरदार थे, ऐसे लाजवाल किरदार हैं कि वो हमेशा याद रहेंगे. हमने बचपन में देखा ख्वाजा एंड सन्स, और अभी तक देखिए हमारे जहनों में वो बिल्कुल तरोताज़ा है जवाद जी वाला. और जब हम बाहर बात भी कर रहे थे तो आप थोड़ा सा जवाद जी बन भी रही थी, तो वो अगर थोड़ा सा सुना दें हमारे जो सुनने वाले हैं, अगर उन्हें भी आप सुनाना चाहें. मैं अच्छी, बहुत अच्छी एक्टर नहीं हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल वो जो चीज़ें हमारे ना दिमागों पे इन्फ्लुएंस रखती हैं और हम लोग याद रखते हैं उन चीज़ों को, बहुत कम कम चीज़ें होती हैं जो आपके दिमागों पे रह जाती हैं. बिल्कुल. और वो जवाद जी वाला जो स्पेशली था ना कि वो जी बच्चा जी जवाद जी वो इतना अच्छा लगता था ना, तो हम अपने बहन भाइयों में भी ये चीज़ करने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल. तो बिल्कुल जनाब अली एजाज साहब जिनका इंतकाल हुआ कल, और यकीनन बहुत बड़ा नाम हमारी फिल्म थिएटर. उन्होंने अपने जो करियर का आगाज था वो थिएटर से किया. और जी बिल्कुल बिल्कुल, अलहमरा में उनके जो थिएटर पे ड्रामे लगा करते थे, जो लोग लाहौर में रहते हैं या लाहौर से मुंसलिक हैं किसी भी तरीके से, वो लोग जानते हैं कि अलहमरा में जब वो परफॉर्मेंस उनकी दिया करते थे वो जैम पैक्ड हुआ करते थे. बिल्कुल. और बहुत सारे कम लोगों के हिस्से में ऐसी जो है ना वो खुशकिस्मती आती है कि वो आप लोग उनको पहचानते हैं, जानते हैं और उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं. बिल्कुल. सो वो जब उन्हें अलहमरा में उनके थिएटर हुआ करते थे तो बहुत खूबसूरत होते थे और लोग उनको बहुत दूर दूर से देखने आते थे. और बिल्कुल, हम आज इस प्लेटफॉर्म से जब हम यहाँ पे ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान से भी एक मुतालबा किया जाए कि जितने भी हमारे वेटरन आर्टिस्ट हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, फिल्म आर्टिस्ट हैं, टीवी के आर्टिस्ट हैं, अभी बहुत से लोग जो हैं, अभी अतर शाह जेदी साहब के हवाले से जिनके साथ इन्होंने अपने लाहौर में टीवी का आगाज जो है इन्होंने 1964 में किया था, और अतर शाह जेदी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ अरसे से लोगों को पता नहीं है कि वो कहां पे हैं. और यकीनन हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे जो लाजवाल हमारे फनकार हैं उनकी जो सेहत है, उनकी जो वेल बीइंग है, उसके हवाले से जरूर कुछ इकदाम करने चाहिए, क्योंकि ये असासा है हमारे मुल्क का. और जैसे आपने जेदी साहब का नाम लिया तो, और ये अली एजाज और ये सब इनके लिए जो कोलैबोरेशंस होती थी, ये बहुत पायनियर लोग हैं. बिल्कुल. टीवी के, पीटीवी के हवाले से जो बहुत पायने लोग हैं, और अगर इन्हीं का नहीं ख्याल रखा जा रहा तो दिस इज मिजरेबल कंडीशन कि आप लोग, आपने इन्होंने इतना टाइम दिया इंडस्ट्री को, फिल्म को, थिएटर को, टीवी को, और इनका ही नहीं ख्याल रखा जा रहा, तो इसमें चीज में जरूर कुछ ना कुछ है ना वो गवर्नमेंट को करना चाहिए. बिल्कुल. और हमारा ये जो आप बैकग्राउंड में भी गीत सुन रहे हैं, वे एक तेरा प्यार नूर जहां की आवाज में है गाना, और इस फिल्म के भी जो लीड कैरेक्टर थे वो अली एजाज साहब थे, और बहुत जबरदस्त किस्म की ये फिल्म भी थी. 1960 में जैसे पहले कहा कि सबसे पहला जो उन्होंने थिएटर का काम जो अपना स्टार्ट किया था वो 1960 में था, अलहमरा आर्ट काउंसिल में स्टेज पे वो परफॉर्म करते थे और अवाम में बहुत ज्यादा मकबूल थे. 1964 में उन्होंने लाहौर से अपने टीवी का आगाज किया, अतर शाह खान जेदी साहब का लिखा हुआ सिलसिलेवार खेल लाखों में तीन, जो कि पीटीवी की तारीख में पहला ऐसा ड्रामा था जो कि लाइव पेश किया जाता था. इसके तीन मरकजी किरदार थे और उनमें एक अली एजाज साहब थी, और उनका एक तकिया कलाम अक्सा बहुत मशहूर हुआ था, आपको याद है कुछ?
मुझे नहीं याद, आप जरूर प्लीज बताइए. हाँ वो है कि एवरीबॉडी को चाय का सुला मारता है. वेरी नाइस. और ये इतना मशहूर हुआ था, हालांकि मैं भी इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन ये इतना मशहूर हुआ था कि कहा जाता है कि हर बच्चे की जबान पे था ये. और फिर अली एजाज साहब का यहीं से मीडिया का दौर शुरू हुआ और ये उनकी पहली ब्रेक थी जो कि उन्हें टीवी पे मिली. और उसके बाद आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में स्पेशली बहुत से जो लोग हैं वो टीवी से फिल्म में आते हैं, और फिर यहाँ से उन्होंने फिल्मों का अरूज का दौर था उस जमाने में, बहुत जबरदस्त फिल्म्स बनी. और यकीनन आपके पास फिल्म की लिस्ट भी है जिसमें अली एजाज साहब ने काम किया, तो हमारे सुनने वालों को बताइए कि कौन कौन से ईयर में इन्होंने कौन कौन से फिल्म में काम किया. बिल्कुल बिल्कुल. इंसानियत जो कि मुझे याद पड़ता है कि बहुत जो है ना खूबसूरत फिल्म थी, और इनका डेब्यू भी इस फिल्म से हुआ था और बहुत पसंद की थी. 1967 में ये शुरू हुई. दिलबर जानी, यमला जट और सैया. और जो अब हम मैं जो नाम लेने जा रही हूँ, कुछ आप देखेंगे कि अब वो उन नामों से अब फिल्में बन रही हैं, जबकि हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में वो चीजें बन चुके हैं. और दोस्ताना फिल्म जो है वो बहुत मशहूर थी इनकी, और हथकड़ी, और एक दुबई चलो. याद पड़ता है आपको दुबई चलो? एक टीवी पे भी ये आता था और ये फिल्म भी बनी बिल्कुल. थी और बहुत खूबसूरत, और बहुत लाइक ओवर 70 इन्होंने मूवीज की और बहुत खूबसूरत मूवी जो इन्होंने की. और चूंकि पंजाबी में ज्यादा थी, इनकी एक टारगेटेड मार्केट थी, लेकिन जो लोग पंजाबी को नहीं भी समझते थे, क्योंकि इतने खूबसूरत लोग उनमें काम करते थे, रानी के साथ काम किया, अंजुमन के साथ काम किया, सो वो लोग उनको पहचानते और उनको हमेशा से देखना चाहते थे. सो वो जो कहते हैं कि एक मार्केट पंजाबी वाली, वो उससे हटके भी बाकी लोग भी उनको देखते और देखते थे और पसंद जरूर करते थे. सही. और जैसे कि अली एजाज की फिल्मों के हवाले से आपने बताया, तो हम अपने सुनने वालों को भी बताए देते हैं कि अली एजाज ने जब अपनी फिल्मों का आगाज किया, तो ये नहीं है कि वो स्ट्रेट अवे एज अ हीरो फिल्म में आए. जैसे जिस फिल्म का आपने जिक्र भी किया, दुबई चलो, ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें इन्होंने मेन अपना कैरेक्टर प्ले किया था. इससे पहले वो फिल्मों में छोटे मोटे किरदार अदा करते रहे, लेकिन 1980 में जब इनकी यही फिल्म दुबई चलो जब हिट हुई, वो इतनी जबरदस्त किस्म की मैसिव मेगा हिट हुई कि उसके बाद इन्होंने इनको धड़ाधड़ जो फिल्में हैं वो मिलना शुरू होगी. और 1980 की दहाई में ही अदाकार नन्ना, जिनका असल नाम खावर रफी है, उनके साथ इनकी जोड़ी फिल्मी नाजरीन में बेहद मकबूल हुई. और पाकिस्तान में यही कहा जाता है कि मुनव्वर जरीफ के बाद अगर कॉमेडी में किसी को उरूज हासिल हुआ है, आजकल तो माशाल्लाह से बहुत से कॉमेडियंस हैं, लेकिन वो वक्त जो था टीवी का वक्त जो था, तो उसमें कहते हैं कि नन्ना और ये और मुनव्वर जरीफ साहब कहते हैं कि कमाल का था, और बहुत जबरदस्त किस्म की इनकी जो एक्टिंग थी वो भी रही. तो आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं बताना चाह रही थी कि इतनी सारी फिल्मों के बाद और ड्रामों के बाद जब क्रेडिट देने की बात आती है, और उनको हुकूमत ने क्रेडिट भी दिया, और लेकिन हमारे आके ओके स्टैंप लग जाती है कि इस बंदे को जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया किसी भी चीज़ पे, तो उसको काम मिलना बंद हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, या उनको एक इन अ सेंस उनको कह दिया जाता है कि अब आप किनारा कर लें टीवी से या फिर. यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जिस किसी ने भी लब्बा की उन्होंने कहते ने अवार्ड थे, उस तो बाद भाई जी अस्सलाम वालेकुम है जी. हाँ, कुछ ऐसा ही है. और बहुत सारे ये एक्टर्स में एक्ट्रेसेस में देखा गया है कि ऐसे होता है, जो कि नहीं होना चाहिए. इनको 96 में जब मिला, तो उसके बाद देखने में आया कि उनकी जो वैल्यू में मैं नहीं कह सकती कमी आई, लेकिन उनके टीवी अपीयरेंस में करते करते कमी बहुत ज्यादा. हालांकि आजकल तो आपको पता है कि जितने ड्रामे बन रहे हैं, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम कर रही है, तो ऐसे जो लेजेंडरी वेटरन एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनको तो इन्हें यकीनन ड्रामास में कास्ट करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये वक्त की जरूरत भी है, इनसे बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है. और यही बात है कि उनकी थोड़ी माली मदद भी हो सकती है इस हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा अदाकारों के लिए या जो हमारी एक्ट्रेसेस होते हैं उनके लिए मसला यही होता है कि जब वो लोग उरूज पे होते हैं तब सब लोग उनके साथ होते हैं, जो ही वो हटते हैं, जैसे कि बब्बू बराल साहब का आपको पता है कि किस जबू हाली के हालात में उनका इंतकाल हुआ है. और फिर उसके अलावा हमारे एक और स्टेज के एक्टर थे, मेरा नाम जहन से निकल गया, उनकी भी बड़ी मस्ताना साहब जी, मस्ताना साहब की भी जो जब उनका इंतकाल हुआ, तो वो भी कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं थे. तो यकीनन हमारी जो ओवरसीज में बसने वाली कम्युनिटी है या हमारे जो लोग हैं स्पेशली तौर पे पाकिस्तान में, स्पेशली गवर्नमेंट, उनको इस हवाले से जरूर कुछ करना चाहिए. दे नीड अ डिपार्टमेंट फॉर दीज लाइक शोबिज में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि जब वो काम कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है,
वो कौन सा किसी गवर्नमेंट जॉब में कि उनको पेंशन बाद में मिलेगी या प्रोविडेंट फंड होगा, ऐसे नहीं होता. तो वो जिसने तो अच्छा कमा लिया उसकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द हम देखते हैं तो बहुत मिजरेबल कंडीशन में वो लोग दुनिया से चले जाते हैं. अच्छा अक्सा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है मेरा, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड कि वो शब्देग एक पाकिस्तान में ड्रामा लगा करता था, क्या उसमें भी अली एजाज साहब थे? क्योंकि मेरे जहन में बार बार ना वो एक डायलॉग सा स्टुक हुआ है कि मौले पुत्र वो जैसे बनी, तो क्या ये अली एजाज का था? आई एम नॉट टू श्योर. आई थॉट कि आपने मुझे शब्द एक ड्रामा याद आ गया, उसमें वो एक कुछ एक करेक्टर भी था जिसमें बोल्ड हेड वाला. हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल. हाँ वो मौला पुत्र, सो आई एम गेटिंग दैट फील, यू नो, लाइक आई थिंक जो मौला पुत्र था ना वो अली एजाज नहीं थे, एक और बंदे. शगुफ्ता जी आई है, इन्हें भी लाइव लेके चलते हैं. तो यकीनन इनसे भी पूछते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री, इन्हें भी शायद याद हो कि शायद याद हो कि कितना जबरदस्त किस्म का वो एक्ट किया करते थे, और शायद इनकी भी कुछ हो. अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी. वालेकुम सलाम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप ही, आप सुनाइए. ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही तो मेरा दिल कर रहा था, जिस पहले तो बात ये है कि मुझे बहुत अफसोस है, अली एजाज साहब बहुत ही अच्छे, मुझे तो बस उनकी कॉमेडी से था कि मैंने जब उनके ड्रामे देखे उनमें कॉमेडी जो उन्होंने की बहुत. कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसा अगर आपको डायलॉग याद हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? सब देग में उन्होंने कैरेक्टर किया है कि उनके वही मोले मोले पुत्र वाला जो मैं कह रहा हूँ, मोले पुत्र वाला वही है ना, उन्हीं का ना, ऐसे ऐसे वो करते थे. वो ड्रामा था या क्या था, मैं उससे भी अपने किसी अजीज से बात कर रही थी कि मुझे इनका कैरेक्टर वो आज भी याद है कि वो उनके अबू होते थे, कहते थे कि मियाँ जी उनको कहते थे. ठीक है, मियाँ जब भी कोई बात होती थी ना, हाँ तो वो कहते थे मियाँ जी, तो आराम से कहते थे मियाँ जी. तो फिर वो क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग सुने कि ये उनके वालिद हैं, तो वो कान से कुछ बहरे भी थे. ठीक है ना, तो वो बड़े आराम से कहते थे ताकि लोगों को पता ना चले. तो वो कहते थे वो मोले पुत्र किधर है मोले पुत्र, तो फिर वो कहते मियां जी मैं इधर ही हूँ मोले पुत्र. आज भी मुझे याद है, और वो इतना अच्छा कैरेक्टर था कि उसकी आज भी कुछ कुछ यादें जो कभी कभी बंदा जिक्र करे ना तो मेरे पीछे जहन में है कि बाकी तो मुझे बहुत कम इनका याद है कि इसी ड्रामे में, क्यों इसी ड्रामों से मेरा इतना तल्लुक नहीं रहा था क्योंकि अपनी लाइफ में, पर माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान थे, इतना हिसाते थे कि बंदे को क्या कहते पेट में दर्द पड़ जाता था. चले हमारी तो, और यूं ही आप अपनी दुआओं में भी उन्हें जरूर याद रखिएगा कि वो यूं ही अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें. आमीन आमीन. और मेरी उनकी फैमिली से भी सिंपथी है, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे ताकि मतलब ज़ाहिर है इतने बड़े अच्छे इंसान फनकार, मुल्क के लिए भी उनका बहुत बड़ा लॉस है और बाकी लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से जो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके चेहरों पे खुशियां आ जाती हैं, स्माइल आती है, कितने लोगों के मतलब चंद सेकंड के लिए चाहे 10 मिनट के लिए भी आप अपने हालात अपने मुश्किल से बाहर निकल के उनकी बातें सुनते हैं, हंसते हैं, मजाक होता है, ये कुछ तो ऐसे लोगों को ज़ाहिर है नुकसान होता है हर किसी का, उनकी फैमिली का बहुत है, बाकी जो लोग उनको देखते थे इंस्पायर होते थे उनका भी अपनी जगह लॉस है. तो बस इस तरह आपने कहा है कि हर इंसान है जो पैदा हुआ है उसने जाना है, पर बरहक है, पर ये है कि किसी को हंसा के और उनके चेहरों पे खुशियां लाना ये बहुत बड़ा काम था और बहुत बड़ा कमाल था. मतलब ऐसे लोग दुनिया में है जो ऐसे लोग को हंसाते हैं या ऐसे लोगों के चेहरों पे खुशियां लाते हैं थोड़ी देर के लिए. सही सही. तो चले बहुत शुक्रिया आपी, आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए. ओके, अल्लाह हाफिज आपी. और यकीनन हमारे साथ शगुफ्ता जी मौजूद थी हालिफैक्स से, और बता रही थी हमें जो उनकी जो एक फेवरेट कैरेक्टर था वो जो हमने आपसे पूछा भी मोले पुत्र, और वो एकदम से जहन में मेरे आया, और बिल्कुल ये भी बहुत ही एक लाजवाल कैरेक्टर था जो इन्होंने प्ले किया. और वैसे भी अली एजाज को ये खासा हासिल है कि उन्होंने जो बूढ़े लोगों के कैरेक्टर्स हैं उनमें वो खासी महारत रखते थे, और तोतले वाले जो थे मखबूतुल हवास किस्म के बूढ़े का भी उन्होंने किरदार अदा किया था, और ये उनका मनपसंद मशगला था, और खसूसी तौर पे ख्वाजा एंड सन्स में जो उनका किरदार था और वो बहुत ही बेहतरीन था. वो खींचते थे ना गर्दन से पकड़ के खींचते थे ख्वाजा एंड सन्स में, तो वो अभी भी हमारे सारे लोगों में वो चीज मौजूद है और याद रखी जाती है कि वो अपने बेटे को जवाद जी को जिस तरह से खींचते थे. और
بالکل. اور یقیناً ہمارے جو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو پی ٹی وی ہے جو چینل یہاں پہ آتا ہے یا ابھی بڑا جو ٹی وی ڈرامہ ہے ہم ٹی وی, میرے خیال میں کہ انہیں خواجہ اینڈ سنز کا ایک ڈرامہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل کے جو بچے ہیں بچیاں ہیں, کیونکہ آپ بھی میری وائف بھی یقیناً ڈرامے دیکھتی ہیں آپ بھی دیکھتی ہیں, تو یہاں پہ جو خواتین ہیں وہ دیکھتی ہیں, اور آئی تھنک کہ اپنے جو لیجنڈس ہیں ان سے ریکنیکٹ کرنے کے لیے آئی تھنک اٹ ول بی بہت زبردست قسم کا یہ ہوگی ایک نیوز ہوگی کہ اگر یہ وہی پرانے ڈرامے جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے اگر وہ دوبارہ ٹیلی کاسٹ کیے جائیں. بالکل ریوائیو کرنا چاہیے, اور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اتنے خوبصورت ڈرامے کیے اور چھوڑے لوگوں کے اوپر کی زندگیوں پہ اثر. اور ہم لوگ ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں, لیکن کچھ ہوتے ہیں جو ہمارے ایکچولی جو ہمیں انسپائر کرتے ہیں اور ان کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اینڈ ہز ڈراماز واز ون آف دیم. اور ان کی فلموں کی اگر ہم بات کریں تو ان کے جو فلمیں اگین پنجابی ان کی آڈینس تھی, لیکن اتنے خوبصورت اس کے گانے تھے اور جتنا خوبصورت طریقے سے وہ پرفارم کرتے تھے, وہ جتنا اینگری ینگ مین کے وہ جو انہوں نے کردار کیے ہوئے ہیں گانوں کے اندر جو ہے انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے پرفارمنس دی ہیں, بالکل اور بہت خوبصورت لگتی ہیں دیکھنے میں. اور بالکل نہ صرف وہ ایک بہت اچھے فنکار تھے بلکہ بہت اچھے انسان بھی تھے. سوشل ایکٹیویٹیز میں انہوں نے ماشاء اللہ سے ویلفیئر پروجیکٹس پہ بھی کام کیا ہوا ہے, اور 132 گھر جو تھے انہوں نے بنائے غریب غربا کے لیے, اور بہت زبردست قسم کے وہ انسان تھے. وہ ماشاء اللہ سے انہیں کافی ایوارڈس وغیرہ بھی ملے اور بہت سی اس طرح کی جو چیزیں, لیکن وہی جیسے کہ آپ پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ میرا نہیں خیال کہ ایک آرٹسٹ کو اگر آپ صرف ایوارڈ دے دیتے ہیں تو دیٹ از انف فار دی آرٹسٹ, وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا ویل بینگ آف دیٹ آرٹسٹ, اور اسپیشلی جب اتنا بڑا آرٹسٹ ہو. سونا چاندی ان کی فلم 1983 میں بہت زبردست ریلیز ہوئی, 1996 میں چور مچائے شور ان کی فلم تھی, اور پرائڈ آف پرفارمنس انہیں 1993 میں ملا. اس کے علاوہ فلم ایف بی آئی آپریشن پاکستان ایک انگلش فلم بنی تھی اپارنٹلی, اس میں بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے, اور ان کا تعلق اصل میں قلعہ گجر سنگھ لاہور کا علاقہ برٹش انڈیا میں 1941 میں وہ پیدا ہوئے تھے, اور 77 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. اور ان کی آخری فلم جیسے کہ بتایا چور مچائے شور, پھر جورا ان کی ایک پاکستانی فلم بڑی زبردست ہٹ ہوئی تھی, اور ہیر رانجا جو ان کا ڈرامہ تھا ٹی وی شو 1972 میں, اور وہ بہت ہی زیادہ اپنے دور کا ایک لازوال قسم کا ڈرامہ تھا. تو یقیناً ہم یہی آپ سبھی سے بھی کہیں گے, اور ریڈیو سنگم سے بھی ہماری یہی کوشش تھی کہ اس لیجنڈری فنکار کو, اس اتنے بڑے پاکستان کے نام کو آج ہم ٹریبیوٹ پیش کریں. اور وہ ایک تیرا پیار جو ہم نے نور جہاں جی کا پہلا گانا آپ کے لیے پلے کیا تھا وہ بھی انہی کی ایک فلم سے ہے, اور ابھی جو گانا اکسا جی آپ کے لیے پلے کرنے جا رہی ہیں میں تھے میرا دلبر جانی, یہ بھی انہی کی ایک فلم سے ہے. تو یقیناً بہت بڑا لاس ہے پاکستان کے لیے, اور ہماری جانب سے ریڈیو سنگم کی پوری ٹیم کی جانب سے انہیں ڈھیروں عقیدت برا سلام کہ انہوں نے اتنا عرصہ پاکستان کی آڈینس کو, نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت یہ ساؤتھ ایشین جو آڈینس ہے اسے بہت زیادہ انٹرٹین کیا. تو علی اعجاز آپ ہماری دعاؤں میں اور آپ ہمارے دل میں ہمیشہ یوں ہی زندہ رہیں گے, اپنا اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے, اور یوں ہی ہم کوشش کریں گے اور امید کریں گے کہ جتنے بھی یہاں پہ سننے والے ہیں وہ بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے.